निरहुआ इन दिनों अपनी फिल्म अरब को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। जब से निरहुआ ने अरब फिल्म साइन की है तब से उनके कुछ फैंस काफी खुश हो गए हैं तो कुछ आलोचना भी करने पर तुल गए हैं। और आलोचना करने वाले सारे लोग खेसारी के फैंस हैं क्योंकि उन्हें इस बात की निराशा है कि अरब फिल्म में खेसारी को साइन क्यों नहीं किया गया। जब इस फिल्म का मुहूर्त हुआ तो निरहुआ ने अब मुहूर्त के दौरान बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतनी अच्छी कहानी और रियल कहानी के लिए साइन किया गया है। मैं पूरी कोशिश अपनी पूरी टीम के साथ करूँगा कि सामंजस्य बिठा के एक अच्छी फिल्म फिल्म मेकर्स को और दर्शकों को दे सकूँ। लेकिन कहीं भी निरहुआ या आम्रपाली ने खेसारी का जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्हें शायद इस बात का पता ही नहीं था कि इस फिल्म के लिए खेसारी को साइन किया गया हो। जब फिल्म मेकर पराग पाटिल और रत्नाकर से एक दिन पहले ही निरहुआ और आम्रपाली के लिए इस फिल्म से बात हुई, फिल्म से जुड़ी, जब उन्होंने कहानी बताई, निरहुआ और आम्रपाली को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। शायद उन्हें ये खबर पहले से नहीं थी कि इस फिल्म में खेसारी को लिया गया है। और रही बात फिल्म मेकर्स की, तो फिल्म मेकर्स ने इस कहानी पर पूरा काम नहीं किया था। पूरा काम एक महीने पहले ही हुआ है और इसलिए निरहुआ और आम्रपाली को इस फिल्म के लिए साइन किया गया है। खबर है कि इस फिल्म में निरहुआ के साथ 6-6 हीरोइनें इंडस्ट्री में नजर आने वाली हैं। ऐसा पहली बार होगा कि किसी फिल्म में एक हीरो के साथ 6 हीरोइनें देखने को मिलेंगी। आमतौर पर इतनी सारी हीरोइनों के लिए 2 से 3 हीरो भी फिल्मों में रखे जाते थे, लेकिन 6 हीरोइनों के साथ अकेले निरहुआ की कैसे केमिस्ट्री बिठाएंगे, यह फिल्म मेकर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अरब फिल्म उन लोगों पर बनी है जो अपना बिहार छोड़कर अरब जाते हैं कमाने के लिए, दूसरे देश जाते हैं कमाने के लिए। उनको किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो अपना जीवन निर्वहन करते हैं, कैसे उनका पारिवारिक जीवन सुख और दुख एक साथ काटता है, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। इस फिल्म के मुहूर्त के दौरान आम्रपाली भी कहते कहते इन बातों को भावुक हो गई थी और उन्होंने कहा था कि ये फिल्म दर्शकों के कल्याणकारी के लिए ही है, मुझे बहुत खुशी होगी ये फिल्म देखकर, अगर जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें खुशी मिलेगी। तो आम्रपाली और निरहुआ इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। गुजरात में इस फिल्म का मुहूर्त हुआ, एक दिन पहले ही फ्लाइट लेकर आम्रपाली और निरहुआ संजान पहुंचे। अब वहीं पर इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इस फिल्म में 6 हीरोइन और निरहुआ, अवधेश मिश्रा, आम्रपाली एक साथ नजर आने वाले हैं। कहानी बाकी की और शूटिंग से जुड़ी तस्वीरें आपको आगे भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर भी सामने आ चुका है। हल्के पीले रंग में अरब लिखा हुआ जो सीन है वो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि क्लासी तरीके से इस फिल्म की शूटिंग तो होगी ही, देसी स्टाइल में और देसी अंदाज में इस फिल्म की कहानी आप लोगों को पर्दे पर देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी शूटिंग एकदम अनोखे और बड़े ढंग से होने वाली है। फिलहाल निरहुआ की फिल्म निरहुआ चला लंदन रिलीज हो रही है, जिस पर निरहुआ अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी जिसका नाम है अरब। आम्रपाली, 6-6 हीरोइनों के बीच में आम्रपाली का क्या रोल होने वाला है इस फिल्म में, ये देखने का इंतजार सभी में बरकरार है।